हेलो आफेद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम आपको तीसरा चैप्टर जो साइंस का है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, इस पे अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जानना है फाइबर और फैब्रिक का अर्थ क्या होता है। फाइबर का मतलब होता है रेशा और फैब्रिक का मतलब होता है वस्त्र। तो रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए कभी कभी इस चैप्टर का नाम फाइबर टू फैब्रिक भी हो जाता है। फाइबर क्या होता है कि किसी मटेरियल की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को फाइबर बोला जाता है। ए फाइबर इज ए बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक, मतलब कपड़े जो बनते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कपड़े के बनाने में फाइबर से यार्न बनाया जाता है धागा, और यार्न की बुनाई से कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ए फाइबर इज कॉल्ड ए बेसिक यूनिट ऑफ ए फैब्रिक। तो फैब्रिक या कपड़े के सबसे छोटी इकाई जो होती है वो फाइबर होती है। फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर कहलाता है, दूसरा आर्टिफिशियल और मैन मेड और सिंथेटिक। तीन नाम है इसके, आर्टिफिशियल और मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर उसको बोला जाएगा जो हमें नेचर से प्राप्त होगा, प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ का नाम बताते हैं, सिल्क। अब सिल्क का जो फाइबर प्राप्त होता है वो सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है। सेरिकल्चर में सिल्क के कीड़े को पाला जाता है, उससे धागे तैयार किए जाते हैं, फिर उसकी बुनाई की जाती है, फिर उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो सिल्क जो कहलाएगा वो नेचुरल फाइबर कहलाएगा, क्योंकि वो इंसेक्ट से प्राप्त होता है, ऊल भेड़ से प्राप्त होता है। तो ऊल भी हो गया नेचुरल फाइबर। इसके बाद कॉटन, कॉटन माने कपास, रुई का पौधा होता है, कॉटन का प्लांट होता है, वो भी नेचुरल फाइबर में आता है। हेम्प होता है जो मेजुराना प्लांट के तने से प्राप्त होता है, वो भी एक तरह का नेचुरल फाइबर हुआ। जूट, जिसको हम लोग पटसन की खेती, पटसन बोलते हैं, तो जिसका बोरा वगैरह बनता है ना, वो हुआ जूट, वो भी प्लांट से प्राप्त होता है। इसके अलावा एक लीनेन भी है जो फ्लैक्स प्लांट के से ये तैयार होता है, लीनेन। तो ये सब जितने नाम अभी आपको बताया, सिल्क, ऊल, कॉटन, हेम्प, जूट और लीनेन, ये सब के सब कहलाएंगे नेचुरल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर या मैन मेड फाइबर उसको बोला जाता है जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है, केमिकल प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। तो ऐसे जो फाइबर तैयार होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड, और सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे कपड़े बाजार में प्रचलन में हैं, जैसे नाइलॉन है, रेयॉन है, डेक्रॉन है, पॉलिस्टर है, इसके अलावा एक्रिलिक है। ये सब जो नाम है ये सब सिंथेटिक फाइबर है। अभी अभी जो हमने नाम बताया, रेयॉन, नाइलॉन, डेक्रॉन, एक्रिलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये मैन मेड है, यानी कि ये केमिकल प्रोसेसिंग से तैयार होता है। तो ऐसे फाइबर को हम लोग मैन मेड फाइबर कहते हैं या सिंथेटिक भी बोला जाता है। अब इनके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सिंथेटिक फाइबर, जैसे सूती कपड़ा आप पहने और एक टेरिलीन का कपड़ा पहने, टेरिकॉटन का कपड़ा पहने, पॉलिस्टर का कपड़ा पहने, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? जबकि टेरिलीन हो या टेरिकॉटन हो या पॉलिस्टर हो, तो ये सब जो कपड़े होते हैं, ज्यादातर ये पॉलिस्टर की बात आती है, तो ये कपड़े पहनने से और नेचुरल फाइबर से बने कपड़े पहनने में दोनों में कुछ अंतर होता है। सबसे पहले तो ये है कि जो सिंथेटिक फाइबर से कपड़े बनते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। उसके बाद उनमें क्रीच जो आयरन करते हैं, तो उसका जो क्रीच होता है वो जल्दी टूटता नहीं है, कपड़े को साफ करने के बाद भी बना रहता है। उसके बाद इस पर किसी तरह का मॉथ या फंगस इस कपड़े में नहीं लगते हैं। इसके बाद
उसको आसानी से सुखाया जा सकता है, जल्दी से साफ किया जा सकता है, मेंटेनेंस फ्री होता है। लेकिन जो फैब्रिक या जो वस्त्र नेचुरल होता है उसके अपने कुछ मायने होते हैं। पहला तो कि वो उतना ड्यूरेबल नहीं होगा, दूसरा कि वो मेंटेनेंस खोजेगा, बार बार साफ कीजिए, बार बार आयरन कीजिए, इस तरह की बात उसमें होती है। फिर इसी तरीका से सिंथेटिक फाइबर के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सूती कपड़ों में जल्दी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, मौत लग जाते हैं, चिपटियां लग जाती है, भीगे हुए कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, ये सब उसमें बात होती है। और इसके बाद लेकिन नेचुरल फाइबर से बने कपड़े का अपना महत्व है और सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े का अपना महत्व है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में है। खास करके गृहिणियां जो खाना पकाती है, कुकिंग के काम में लगी है, उनके लिए सिंथेटिक कपड़ा कभी भी उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये हाईली इंफ्लेमेबल होते हैं, जल्दी जल जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर इजीली। लेकिन सूती कपड़ा में आग पकड़ता है, लेकिन जब तक वो पूरे शरीर को जलाएंगे उससे पहले हम उसको उतार के फेंक सकते हैं। तो इसीलिए कॉटन क्लोथ पहन करके किचन में काम करना ज्यादा सुविधाजनक है, जबकि सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल जो है वो कभी कभार करना चाहिए। गर्मी में तो सिंथेटिक कपड़ा बिल्कुल ही पहनना ठीक नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में ना तो ये पसीने को एब्जॉर्ब करता है और ना शरीर को उतना ठंडक दे पाता है, इसलिए गर्मी के लिए सिंथेटिक कपड़े उचित नहीं होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर के डिसएडवांटेज और एडवांटेज पर आप विचार करेंगे, आपके किताब में लिखा हुआ भी है और हमने भी अभी बताया। उसके बाद अब एक टॉपिक आया है, मोनोमर पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। मोनोमर क्या होता है कि छोटी छोटी यूनिट, जैसे बॉडी सेल से बना है तो सेल इज कॉल्ड मोनोमर, लेकिन जब वो टिश्यू बन जाएगा तब वो पॉलीमर कहलाएगा। उसी तरह से टिश्यू बनने की क्रिया जैसे होती है उसी तरह पॉलीमराइजेशन होता है। तो छोटी छोटी जो यूनिट है जिससे सिंथेटिक क्लॉथ बनाए जाते हैं, जिससे प्लास्टिक भी बनाया जाता है, तो उसकी छोटी जो इकाई होती है उसको मोनोमर कहा जाता है। और पॉलीमर का मतलब हो गया कि उन मोनोमर को जब हम एक दूसरे में लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, बहुत सारी इकाइयों को जोड़ते हैं, तब वो पॉलीमर कहलाता है। और पॉलीमराइजेशन मतलब छोटे छोटे मोनोमर को आपस में जोड़ने की क्रिया, इंटरलिंक करने की क्रिया जो है उसी को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ऐसे ये दो टॉपिक याद रखने के लिए है कि रेयॉन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। जैसे सिल्क एक रेयॉन भी है और सिल्क एक वो भी है जो कीड़े से प्राप्त होता है, ये सेरिकल्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और सिल्क का कीड़ा भी होता है जो शहतूत के पत्तों को खाता है और अपने ऊपर एक कोकून बना लेता है जिसमें सिल्क के धागे लपेटे होते हैं। और ये अपने देश में भागलपुर और मुंगेर में ये सब सिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कर्नाटक में भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो सिल्क के कपड़े दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आर्टिफिशियल भी होता है रेयॉन माने ऊड पल्प। ऊड पल्प मतलब लकड़ी के गुदा से केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा जो कपड़े तैयार किए जाएंगे उसको हम लोग रेयॉन कहेंगे। और एक रेशम के कीड़ा के द्वारा जो धागे प्राप्त हुए उससे जो कपड़े तैयार करेंगे वो भी सिल्क का कपड़ा होगा। तो सिल्क एक नेचुरल भी हो सकता है, एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो रेयॉन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क क्योंकि ये लकड़ी के गुदे वुड पल्प से बनाए जाते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। देखने में दोनों कपड़े बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक जैसे देखते दिखाई देते हैं, उनका टेक्सचर सब एक जैसा होता है। लेकिन ये थोड़ा जो नेचुरल वाला होता है वो कॉस्टली होता है और ये जो आर्टिफिशियल होता है वो थोड़ा चीप होता है, लेकिन देखने में दोनों का अपीयरेंस आउटलुक बिल्कुल एक जैसा होता है। उसी तरह से जैसे हम लोग जानते हैं कि भेड़ से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं और ऊन से हम लोग स्वेटर शाल ये सब तैयार करते हैं, घर में जाड़े के दिनों में पहनने वाले जो फैब्रिक होते हैं, कपड़े होते हैं, उसको इससे तैयार किया जाता है। तो एक तो भेड़ से तैयार हुआ ऊन वो तो हो गया नेचुरल फाइबर,
और जब कोई केमिकल प्रोसेस के द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो ऊन होगा उसको एक्रिलिक कहा जाएगा। इसीलिए ये दोनों बात याद रखना है कि रेयन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एंड एक्रिलिक इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ऊन। उसके बाद अब आते हैं हम लोग प्लास्टिक पर। प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक मटेरियल है, ये भी मोनोमर से मिलकर के बना होता है प्लास्टिक। और आजकल प्लास्टिक ज्यादा चीप भी है, ड्यूरेबल भी है, रिएक्शन भी नहीं करता है किसी केमिकल चीजों से, एसिड बेस का उस पर असर नहीं होता है, पानी में नहीं घुलता है, लाइट वेट होता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकता है, नेचर में कोरोड नहीं होता है, कोरोड मतलब जंग नहीं लगते हैं, क्षय नहीं होता है। तो प्लास्टिक का जमाना है, हर जगह प्लास्टिक के कुक वेयर, किचन वेयर ये सब देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक का बकेट है, एक लोहे का बकेट है, दोनों के वजन में अंतर है। लोहे का बकेट में धीरे धीरे जंग लग जाएगा, लेकिन प्लास्टिक के बकेट में जंग नहीं लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है कोरोशन फ्री है, कोरोड नहीं करता है। तो प्लास्टिक आजकल हमारे जीवन में बड़ा मुख्य अंग बन चुका है, हमारे डे टू डे लाइफ में इसका हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि चेयर जो पहले लकड़ी की बना करते थी, आजकल प्लास्टिक के चेयर आती है, बहुत कम दाम में बिकती है, लोग आजकल इसी चेयर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तो प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लास्टिक जो है वो भी मोनोमर को पॉलीमराइजेशन द्वारा कई तरह के प्लास्टिक दुनिया में बनाए जा चुके हैं। अब इनका लिंकिंग भी दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन लिंकिंग। तो स्ट्रेट लाइन लिंकिंग क्या है कि अगर इस टाइप से छोटी छोटी इकाइयां एक दूसरे में जुट गई तो ये कहलाएगा स्ट्रेट लाइन लिंकिंग। लेकिन अगर यहां से क्रॉस करके यहां यहां इस तरीका से ये क्रॉस हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंक्ड लिंकिंग, है ना। तो प्लास्टिक में ये दोनों तरह के लिंकिंग होते हैं, स्ट्रेट लाइन लिंकिंग भी होता है और क्रॉस लिंकिंग भी होता है। तो प्लास्टिक के बारे में बहुत तरह के प्लास्टिक है, प्लास्टिक का नाम भी है इसमें बैकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी, पॉलीथीन, ये सब प्लास्टिक के नाम है, तरह तरह के प्लास्टिक है। पॉलीथीन जो आप कैरी बैग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फल सब्जी वाले जो पॉलीथीन के बैग में आपको सामान देते हैं, तो ये सब जो कहलाता है वो प्लास्टिक की बनी हुई चीजें होती है। हीट के अनुसार प्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है थर्मो प्लास्टिक और दूसरा कहलाता है थर्मोसेटिक। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक की परिभाषा जाने कि प्लास्टिक होता है क्या। तो एनी सिंथेटिक मटेरियल, कोई भी ऐसा संश्लेषित पदार्थ, सिंथेटिक मटेरियल का मतलब हो गया संश्लेषित पदार्थ, विच कैन बी इजीली मोल्डेड, जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। मोल्डेड मतलब घुमाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, एनी डिजायर से किसी रूप में लाया जा सकता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, उसको हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लास्टिक हैं दुनिया में जिन पर हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हीट के इफेक्ट के अनुसार प्लास्टिक दो प्रकार के हो गए, एक कहलाएगा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा कहलाएगा थर्मोसेटिक। तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उस प्लास्टिक के विशेषता ये होती है कि उसको आसानी से गर्म करके मोड़ा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। पीवीसी है, पॉलीस्टीरीन है, परस्पेक्स है, टेफ्लॉन है, जिसका नॉन स्टिक कुक वेयर बनता है। तो ये सब हो गए थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि इन पर हीट का प्रभाव पड़ता है और ये गल जाते हैं, भड़क जाते हैं, टूट जाते हैं, मोल्ड किए जा सकते हैं गर्म करके। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें नाम आता है बैकेलाइट और मेलामाइन का। तो बैकेलाइट और मेलामाइन जैसे इलेक्ट्रिक का स्विच है, या प्रेशर कुकर का हैंडल है, या सॉस पैन का हैंडल है, जिस पर आप एक अजीब तरह का प्लास्टिक, या आप कैबिनेट की बात करेंगे तो रेडियो या टीवी का कैबिनेट होता है, वो सब भी एक तरह का थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। इन पर हीट का कोई प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है। तो ये दो तरीके के प्लास्टिक हुए, थर्मो सेटिंग और थर्मो प्लास्टिक। आसानी से पिघल जाए, आसानी से मुड़ जाए हीट के प्रभाव से, उसको कहा जाएगा थर्मोप्लास्टिक। और उसमें हमने उदाहरण अभी दिया पॉलीथीन,
पॉलिस्ट्रीन, परस्पेक्स, टेफलॉन, ये सब ये याद रखना है कि टेफलॉन जो प्लास्टिक होता है उससे नॉन स्टिक कुकवेयर बनाए जाते हैं, नहीं चिपकने वाला बर्तन ये तैयार किया जाता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक हुआ और थर्मो सेटिंग से इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, फायर प्रूफ वस्त्र, ये सब तैयार किए जाते हैं। कैबिनेट बनाया जाता है, केस बनाया जाता है, रेडियो का, टीवी का, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये कहलाएंगे थर्म हैंडल, कुकवेयर का, सॉस पेन का, ये सब बनाए जाते हैं थर्मो सेटिंग का। इन पर जल्दी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आजकल प्लास्टिक हमारे डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भूल मिल चुका है, इसके बिना काम नहीं चलता है। हर जगह जहां देखिए आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेंगे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लास्टिक इजी तो है, ड्यूरेबल भी है, कोरोशन फ्री भी है, लाइट वेट भी है, चीप भी है, किसी से रिएक्शन भी नहीं करता है। लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में आता है, यानी प्लास्टिक के पन्नी, बैग, बोतल, ये सब जो हम लोग रोज रोज इस्तेमाल करते हैं, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा गया है, क्योंकि इनका जल्दी क्षय नहीं होता है। अगर आप मिट्टी में डाल दें तो करोड़ों अरबों साल के बाद ये डिग्रेड करेंगे। तो जो वस्तु नेचर में इजीली डिग्रेड नहीं होगा उसको कहा जाएगा बायोडिग्रेडेबल, और जो वस्तु नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाएगा, और जो वस्तु इजीली, जैसे प्लास्टिक का एक पॉलीथीन आप मिट्टी में डाल दें और एक सूती कपड़ा को डाल दें मिट्टी के अंदर, आप देखेंगे कि सूती कपड़ा 15-20 दिन में मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन पॉलीथीन जस का तस मिट्टी में बरकरार रहेगा। तो यही है बायोडिग्रेडेबल और यही है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जितने भी सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे प्लास्टिक है या सिंथेटिक क्लोथ्स है, जो भी रेयन, नाइलॉन, टेक्रॉन, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। लेकिन जो नेचुरल है वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे पहले भोज भात में लोग केले के पत्ते पे खाया करते थे, आजकल फाइबर का प्लेट आ गया है। तो फाइबर के प्लेट को आप अगर मिट्टी में डाल देंगे तो कभी भी मिट्टी में वो नहीं बदलेगा, लेकिन केले के पत्ते को अगर फेंक देंगे इधर उधर मिट्टी में तो कुछ दिन के बाद वो मिट्टी में बदल जाएगा। इस तरीके से हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पर विचार करें। आजकल कहा जाता है कि जहां तक हो एवॉइड प्लास्टिक, एवॉइड पॉलीथीन, मतलब क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल जो भी आइटम होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, वो आराम से डिग्रेड कर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है, हमारे पर्यावरण में किसी तरह का डिफेक्ट नहीं लाता है, ये पॉल्यूट नहीं करता है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होता है वो हमारे वातावरण को पॉल्यूट भी करता है, कभी कभी ये नलका वगैरह को, नालियों को जाम कर देता है, पानी ओवरफ्लो होता है, हमारा आसपास का सैनिटेशन बिगड़ जाता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती है। इनको नष्ट करने के लिए इनको जलाया जाता है, जिससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए कहा जाता है एवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके प्लास्टिक को अपने से दूर कीजिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं है, ये हमारे वातावरण को पॉल्यूट करता है, इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। नायलॉन है, नायलॉन जो है ये आर्टिफिशियल फाइबर है, ये सिंथेटिक फाइबर की श्रेणी में आता है। नायलॉन बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक भी होता है, लस्ट्रस भी होता है, रिंकल रेजिस्टेंट भी होता है, उसमें सिकुड़न मुड़न नहीं आती है, और पानी में गीला भी नहीं होता है, पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, इसका फंगस उंगस नहीं लगते हैं। इसलिए नायलॉन का इस्तेमाल पैरासूट के धागे बनाने में भी होते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये ठीक है कि ये चीजें सस्ती है, ये चीजें ड्यूरेबल है, ये लंबे समय तक काम आती है, लेकिन है तो इको फ्रेंडली नहीं है, ये किसी ना किसी रूप में अगर बेकार हो जाए, टूट फूट जाए, हम इसको इधर उधर फेंक देंगे तो ये मिट्टी में तो डिग्रेड नहीं करेगा, तो कभी ना कभी इसको इसके द्वारा हमारा पॉल्यूशन होगा ही, एयर पॉल्यूशन होगा जलाएंगे तो ये सारी बातें हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना,
किताब के अंदर जितने भी कीवर्ड दिए गए हैं, सबसे पहले आपको कीवर्ड का, पहले तो किताब के हर चैप्टर को आप सेल्फ स्टडी करें, अच्छे तरीका से सेल्फ स्टडी करें। इसमें जो भी कीवर्ड दिए गए हैं उस कीवर्ड को आप बहुत शॉर्ट डिफिनेशन में, एक लाइन का डिफिनेशन में है उसको याद करें, और उसके बाद जो किताब में एक्सरसाइज दिए गए हैं उनको बनाने का प्रयास करें, फिर असाइनमेंट जो दिए जाएंगे उसकी तैयारी करें। तो इस चैप्टर में यही सब बातें पढ़नी थी हमें। फाइबर प्लास्टिक के बारे में डिटेल से पढ़ना है, पेट जार भी होता है तो उसमें स्मेल नहीं आते हैं किसी तरह के, पानी की बोतलें बनाई जाती है पेट जार से, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब प्लास्टिक है, ये सब आसान है, इजीली है और चीप है और किसी तरह का रिएक्शन नहीं करता है, इसमें फफूंद का अटैक नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं इसमें, ये लंबे समय तक क्रियाशील रहता है, काम करता है। इन सब कारणों से आजकल लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बिजली के वायरिंग में जैसे पीवीसी पाइप, ये जो है थर्मोस प्लास्टिक है, इजली मोल्डेड है, आप घर में जो वायरिंग कराते हैं उसमें पीवीसी पाइप डालते हैं, उसके अंदर आपका वायर होता है, इलेक्ट्रिक का वायर होता है, तो ये सब चीज हमारे दैनिक जीवन में रोज इस्तेमाल होता है, तो इन सब की जानकारी हम लोगों को रखनी चाहिए। तो ठीक है, अब ये तो आपका तीसरा चैप्टर समाप्त हुआ, बहुत शॉर्ट चैप्टर है, इसको आप पढ़ेंगे किताब से तो आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा इसके बारे में। थैंक यू।